हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम फॉर लूप लगाना सीखेंगे विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग की मदद से। जी हाँ दोस्तों, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग की मदद से। तो अभी यहाँ पे डेवलपर टैब एक्टिवेट है, अगर आपके में एक्टिवेट ना हो तो आप एक्टिवेट कर लें। और फिर डेवलपर टैब को एक्टिवेट करने के बाद हमें कहाँ चलना है, हमें चलना है विजुअल बेसिक पर। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ से हमें कहाँ जाना है, इंसर्ट पर, फिर न्यू मॉड्यूल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मॉड्यूल 5 आ चुका है, आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पर वो कोड लिखता हूँ जिसके लिखने से हमारा ये फॉर लूप वाला प्रोग्राम चलेगा। तो ये फॉर लिखा और फिर यहाँ पे लिख दिया लूप, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये दोनों के बीच में गैप रहता है, जो गैप छूट गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब एंटर प्रेस करके नीचे आते हैं और फिर यहाँ पे डिम यूज करूंगा। ये एक वेरिएबल बनाता हूं और एज ये क्या है, इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर, तो ये इंटीजर कर लिया हमने। और इंटीजर करने के बाद फिर एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे तो फिर फॉर लूप लगाएंगे। तो यहां से फॉर अब चलेगा कैसे, ठीक है, तो ए में क्या स्टोर होगा, 1 स्टोर होगा। ठीक है, और कहां तक चलेगा ये, मैं इसको चला देता हूं 22 तक। ठीक है, तो ये 22 तक चला दिया हमने इसको। और अब मैसेज बॉक्स में जाते हैं, एमएसजी बॉक्स, मैंने पहले ही बताया आपको कि मैसेज बॉक्स कैसे आता है, तो ये कर दिया हमने। और इसमें प्रिंट क्या होगा, देखिए अगर आप नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं कोई, लाइक मैं यहां कर देता हूं 100, तो ये नंबर ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं और फिर यहां पर क्या करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे तभी ये पूरा होगा, अगर नेक्स्ट नहीं लिखेंगे तो चलेगा नहीं ये। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर क्लिक करता हूं मैं, यहां पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, 100 एक बार आया, 100 दो बार आया, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 बार ये चला है, क्योंकि यहां हमने 22 दिया ना, इसीलिए। अगर मैं यहां पर सिर्फ 5 दे दूं तो क्या होगा, तो ये सिर्फ 5 बार चलेगा। अब देखिए यहां पे एक बार प्रिंट हुआ, दो बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार, बस 5 बार प्रिंट होगा। अब मान लीजिए इसकी जगह हमें कोई यहाँ पे मैसेज देना हो, लाइक यहाँ पे मैंने लिख दिया अपने चैनल का नाम, तो ये लिख दिया कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, ये लिख दिया। और अब इस ब्रैकेट, अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा कि ये ब्रैकेट में लिखी है, डबल एटेड कोट्स में लिखिएगा, ब्रैकेट में नहीं बल्कि डबल एटेड कोट्स में। ठीक है, अब इसको थोड़ा स्पेस से सेपरेट कर देता हूं, ये हो गया। अब इसको चला के देखते हैं, तो ये पहली बार में क्या प्रिंट हुआ, कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, दूसरी बार में भी यही, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, 5 बार प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से आप फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगेगी आपको, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।